सुन लिया आपने मिस्टर खान? जी इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं उधर उसमें, नहीं नहीं आवाज नहीं है। दूसरी बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ, क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का उसकी कॉपी तो उसमें लगाया नहीं उन्होंने। आप उल्टा बस मत कीजिए, यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ, यू आर ए स्टेट, यू आर, यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सरियल लिटिगेंट। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जलके। हम पूछा हुजूर की FIR, अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, ये अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, एंड वेन दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवेन टू द पुलिस, वेन वन ऑफ योर पुलिस ऑफिसर्स Nisha had gone to that place. There are allegations against her. There are allegations against SHO. Why FIR was not lost? Why FIR was not lost? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉज ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो है इंस्पेक्टर, he is saying ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ, FIR रजिस्टर हुआ फिर? ये तो है ही हुजूर यहाँ लगा हुआ। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर पेपर आया हुआ था। नहीं ये पेपर एक आया हुजूर, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां। तो मुश्किल चीज है, इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए जी हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको, एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पजेशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पजेशन में था। इनकार कहां का यार हुजूर, कहां का सर? अगर इनकार में जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज, द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड। इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कॉलिजन विद द पर्सन्स हु आर इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, देन दैट पर्सन नो लॉन्गर रिमेन्स ए पुलिस ऑफिसर, then he is a gunda in the ways of police, then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that and you are admitting that yes he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका है? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है, आप जो है डिफेंड करने लगते हैं, जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ, कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की, 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है, अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुले आम पुलिस की मदद से हो रहा है।
इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए SHO के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए एंटी करप्शन ब्यूरो को, हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं, एलिगेशंस है। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मैटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहाँ 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको? पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कनाइवेंस आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर He may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉज क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए और जो भी रिटर्न कॉम्प्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। देयर आर सीरियस एलिगेशंस, इफ दोज एलिगेशंस आर ट्रू देन दैट विल हैव अ वाइड रेमिफिकेशन। एफटी भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है, कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन से दरवा दिया जाता है FIR के लिए आज दरवा दिया जाए? कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है कंप्लेंट? तो कुछ बताएंगे। रोज आपके SI जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि हाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया, निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज। पुलिस को क्या मतलब है ये सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना? अब हम जरा सा बता दें उसको फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा,
एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी? एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि एससी एसटी केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाया है वो भी पता लगना चाहिए, कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं। बताइए मुझे 4 बजे FIR कर, FIR करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहाँ रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, व्हाट एवर एलिगेशन ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके FIR करा करके लाइए, मुझे बताइए। आई विल टेक अप दिस केस एट 4 o'clock। ठीक है, हाँ लाइए।